मिल रही है। यदि कोई हमला हुआ है तो निंदनीय है और ये बहुत बुजदिली का काम है इस तरह का कोई भी हमला करना। किसने किया है मुझे जानकारी बिल्कुल नहीं है, मैं इसकी जानकारी करूंगा। प्रतीक, ये कहा जा रहा है यहाँ पे समाजवादी पार्टी से लड़ रही है, आपस में जो है इतनी कलह है। कोई कलह नहीं है और जब चुनाव हो जाएगा तब आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी एक है और समाजवादी पार्टी का परिवार एक है और सब बहुत मजबूत है। कौन कौन आपके साथ आया मतदान के लिए? अखिलेश ने इटावा में ही कहा कि जिन्होंने पिता पुत्र के बीच में लड़ाई उसे सबक सिखा देना। सबक जी, कोई भी अगर षड्यंत्र किया होगा, कोई भी जितने भी लोग होंगे उनका षड्यंत्र पर यदि हाथ होगा तो सबक सबको सिखाना चाहिए। अच्छा ये बताइए अखिलेश और आपके आपकी जो भाभी हैं, आपको लगता है पूरी तरीके से आए वहाँ पे कैंडिडेसी में साथ आए पूरा जिस तरह आना चाहिए था? जी बिल्कुल आए और उन्होंने बहुत अच्छा बोला और बहुत सपोर्ट किया और कन्वेंसिंग में नहीं घर पे भी लगातार बातें होती रही और पूरी तरह से मार्गदर्शन किया सपोर्ट किया। आज अपर्णा की भाग का फैसला होना, क्या उम्मीदें आपको? पूरी उम्मीदें 100% है क्योंकि अपर्णा ने बिना विधायक हुए इतना काम कर दिया कैंट क्षेत्र का और जनता उन्हीं के साथ है। मुझे नहीं लगता है कि उस क्षेत्र की जनता से कोई इतना ज्यादा मिला है, पिछले एक साल से लगातार काम कर रही है और ऐतिहासिक जीत होगी उनकी। कौन कौन आया आपके साथ आज प्रदीप यहाँ पर मतदान? मैं गाड़ी से अभी सुबह निकल के अकेले आया हूँ और बाकी लोग तो हवाई पट्टी पे आएंगे क्योंकि मैं गाड़ी से, क्योंकि नया एक्सप्रेसवे मैंने देखा नहीं था। मेरी इच्छा थी बहुत ज्यादा कि एक्सप्रेसवे देखूं मैं और मैं आज वही पहली बार आया हूँ एक्सप्रेसवे से। बहुत बढ़िया काम बोलता है, गठबंधन जीत रहा है। गठबंधन मेरी उम्मीद है 300 सीटें आ रही हैं गठबंधन से। ये बताइए कि अभी हमें खबर मिल रही है, हमारी जो बात हुई कि रीता बोगरा जोशी को पुराने कांग्रेसी लड़ा रहे हैं वहाँ से, तो क्या आपको लगता है सारे कांग्रेसी उस सीट पर साथ में हैं आपके साथ? कांग्रेस और सपा का गठबंधन एक है, सरकार एक बनेगी और ऐतिहासिक जीत होगी। धन्यवाद। तो प्रतीक यादव को आप सुन रहे थे जिनका साफ कह रहा है कि जो गठबंधन हुआ है, जो दाव खेला है कांग्रेस ने यूपी में, यूपी की राजनीति में, उससे